दोस्तों पहला तो मैं फतेह बुला वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी का खालसा। मैं प्रतिपाल सिंह गिल प्रधान फाइट फॉर ह्यूमन राइट वेलफेयर एसोसिएशन फलोर। दोस्तों मैं अज सारे एक करना हर एक ने ये अपने कमेंट करने हैं कि तुम मेरे ना सहमत हो। मैं कहना भी जिदा पोलिटिकल पार्टियां ने पहला आम पार्टी ने बिजली मुक्त का दिता हूँ अपने सुखबीर सिंह बादल जी बादल अकाली दल आ उन्होंने लोगों को दिता भी मैं 400 यूनिट बिजली मुक्त देंगे होर कई सहूलत दिखाई ने। इस तरह असी भी अपनी एक पार्टी बनाने लगे हैं यदा नाम है ऑक्सीजन पार्टी। असी की है ये मैं भी अज ऐलान करदा भी 2022 का जो इलेक्शन आ रहा ये असी लोगों की सहूलत देंगे। जेकर लोग सानू वोट पाएंगे जेकर मैं सीएम बन जाना तो मैं लोगों को ये जो सहूलत दे रहे हैं ये देंगा। जेकर इदों वध कोई सहूलत पार्टी दे सकती है तो फिर असी नहीं कहेंगे बेशक उन्होंने वोटा पा दौ। पर मैं अज ये गल कहना सस्ता यह है कि जिहड़ी बिजली है पंजाब दे विच वह हर घर नूं मुफ्त दित्ती जाऊगी उहदा कोई पैसा नहीं दिया जाऊगा। जिन्नी मर्जी बत्ती जला लैन जो मर्जी कर लैन गरीब अमीर सब जिहड़े आ इहनां कोई भी पैसा नहीं दिया जाऊगा। दूजी गल इह रहि गई जिहड़े साडे बजुर्ग ने जिहड़े मतलब बेरोजगार ने जिन्हों की उम्र 60 साल तो उत्ते उन्होंने घट्टो घट महीना की पेंशन जी 10,000 रुपया महीना दी जाऊगी बजुर्ग नूं माता नूं सारयां नूं। जिहड़े वेहले आ नौजवान उन्होंने 6,000 रुपया महीना मतलब दिता जाएगा साडी पार्टी नूं। ते बाकी रह गई गल जिदा साडे नौजवान पीढ़ी है जिदा अपने सुखबीर सिंह बादल ने कहा भी असीं 10,000 रुपया देंगे उत्ते ब्याज नहीं लाओगे पर नहीं असी 15 लाख रुपया देंगे 15 लाख का जड़ा है उन्होंने माफ कर दिता जाऊगा जेकर बच्चा बाहर चल जाता उतो कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। बाकी रह गई गल जो भी सहूलत ने असी दे रहे हैं ये देंगे। बाकी रह गई डीजल पेट्रोल की गल मैं दावे ना गल कहना कि जो डीजल आ पेट्रोल आ जिस बंदे ने मोटरसाइकिल रखा उन्हें 10 लीटर महीने का जो पेट्रोल वह मुफ्त दिता जाऊगा। जिन्हें गड्डी रखी है उन्होंने की है 30 लीटर महीने का डीजल या पेट्रोल जरा मुफ्त दिता जाऊगा पर शर्त ये भी वो मालक अपनी मालकी सिद्ध करे भी मेरे को यह गड्डी है। दूजी रह गई गल ये की है असी सारिया सहूलत जीडिया देंगे राशन बिल्कुल फ्री किसी न भी राशन लैण की लोड़ नहीं गी ठीक है। घर जिन्ना भी राशन चलता फ्री दिता जाऊगा। सब्जियां इदा ने स्टाल ला दिते जाणगे करके सब्जियां दा जिन्नी किसे नूं सब्जी लोड़ आ उत्थों जाके अपनी फ्री सब्जी अपना आधार कार्ड दिखा के फिर लिया सकता है कोई कम नहीं करन दी लोड़ ठीक है। इस करके आ बाकी रह गई गल इह कि साडी जिहड़ी पार्टी आ इहदा नां ऑक्सीजन पार्टी तां रख्या गया ते साडा जिहड़ा आ इनकम सोर्स तुसीं पुछोगे कि कित्थों आउणा आ ते गवर्नमेंट तुसीं किदां चलाउणी आ उहदा असीं इह रख्या कि जिहड़े असीं साह लैंदे आ ऑक्सीजन लैंदे आ इत्थे अपने पंजाब विच उहदे विच एक साह दा एक पैसा लिया जाऊगा यह टैक्स जिन्ने भी तुसी साह लोगे 24 घंटे दे विच उह साह दा एक पैसे दे हिसाब नाल तुहाडे तों टैक्स लिया जाऊगा। इहदे विच इह देखा जाऊगा कि गरीब अमीर नूं उह अगले आपां देखांगे पर 5 साल दे विच आ साडा इही है 1 रुपया ही 1 पैसा होगा एक साह लैण दा उहदे ला लो भी 24 घंटे किन्ने साह लैंदे ने उन्ने पैसे बन जाणगे। बाकी रह गया तुसी सानूं वोटां पाओ साडी गवर्नमेंट बनाओ असी तुहाडे नाल आ तुहानू हर चीज फ्री दिती जाऊगी किसी नूं कोई काम करन दी लोड़ नहीं ठीक है। गवर्नमेंट सारा काम करूगी गवर्नमेंट जिहड़ी आ उह चलूगी। हां बाकी जरूरी हैगा कोई बीमार हुंदा उहदी ऑक्सीजन तुहानू उत्थे लाई जांदी आ उह तुहानू पहले ही पता वी किन्नी महंगी मिलदी आ उहदा रेट उही रख्या जाऊगा। बाकी ठीक है जिन्ना तुहानू जीण वास्ते चाहीदा उह जिहड़ी आ उह असी एक पैसा एक साह दा रखांगे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਣੋਗੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰੂਗਾ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਘੜੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੈਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੂਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੀਜਣਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਵੀ ਆ ਬੜਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ CM ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ